बिहार के मुजफ्फरपुर के सरैया थाना इलाके में बारात में भोजपुरी गाने पर नाचने को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में दो गुट भिड़ गए और इसी दौरान एक युवक को गोली लग गई। युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। तो युवक की मौत से नाराज लोगों ने बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और लकड़ी वक्त तो की पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया वाकई में हैरान भी करता है। लड़की पक्ष के घर में घुसकर जमकर लूटपाट की गई तो भीड़ ने बारात में आई 8 गाड़ियों के साथ करीब 10 बाइक को आग के हवाले कर दिए। तो घटना के बाद एसएसपी हरप्रीत कौर के निर्देश पर 4 थानों की पुलिस वहां पर मौजूद होती है जाती है वो। और इसके बाद एसडीपीओ शंकर झा ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। मृतक के परिजनों का आरोप था कि डांस के लिए विवाद हुआ और लड़की के चचेरे भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन कैसे आगजनी भी की गई है ये भी देखने को मिलता है। नाराज भीड़ ने 1.5 दर्जन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ऐसे धक्का धुकी होते हो तो क्या हुआ, ये यहाँ से गया और बाजू में हम सोचे क्या फटाका उटका होगा, इतना बड़ा निकाला और ऐसे करके मार दे, गिर गया। हम सोचे हंसी मजाक किया है, फिर भी हम देखिए रहे हैं। जब उसके आजू बाजू का लड़का जो बोला कि उसको गोली मार दिया, तब हम लोग दौड़े। अभी छपरा गाँव में आज एक लड़की की शादी थी। इस लड़की की शादी में पारू से बारात आई थी बाजितपुर गाँव से। वहाँ पे नाच डांस वगैरह करने को लेके यहाँ का स्थानीय एक माझी समुदाय का लड़का नवीन कुमार का लड़की के चचेरे भाई से कुछ विवाद हुआ था और इनके परिजनों का कहना है कि उसी के द्वारा जो है गोली मार दी गई, इससे उसकी मृत्यु हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से आगजनी की गई। अब जरा ये मामला भी समझ लीजिए, भोजपुरी गाने पर नाचने को लेकर ये विवाद हुआ है, लेकिन ये विवाद इतना कैसे बढ़ता चला गया ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस विवाद में दो गुट आपस में भिड़ गए और इसी दौरान एक युवक को गोली लग गई। युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और युवक की मौत से नाराज लोगों ने बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और लड़की पक्ष के घर में घुसकर जमकर लूटपाट की। भीड़ ने बारात में आई 8 गाड़ियों के साथ करीब 10 बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। तो घटना के बाद एसएसपी हरप्रीत कौर के निर्देश पर 4 थानों की पुलिस लाइन से अतिरिक्त पुलिस बल के साथ एसडीपीओ शंकर झा ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। लेकिन ये कैसे छोटा सा विवाद बड़ा विवाद बदल गया कि यहाँ पर एक शख्स की मौत हो जाती है, उसके बाद लोग गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन क्या ये मामला वाकई में इतना बड़ा था कि एक शख्स की मौत हो गई? अरुण श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। अरुण, ये बताइए ये मामला इतना बढ़ कैसे गया? अरुण, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी। ये मुझे बताइए कि भोजपुरी गाने पर डांस को लेकर विवाद हुआ, ये इतना बढ़ गया कि एक शख्स की मौत हो जाती है, आगजनी हो जाती है? जी बिल्कुल। जब एक बारात आई थी, बारात में जो है गांव के ही एक खास जाति के लोगों के द्वारा बारात को रोक दिया गया और बीच में उन लोगों के द्वारा हस्तक्षेप करके उसमें डांस किया गया और भोजपुरी गाने के डिमांड पर डांस हो रहा था। इसी बीच लड़की पक्ष के लोगों का आक्रोश फूटा और उन्होंने उनके बीच मारपीट हुई। मारपीट होने के बाद लड़की पक्ष जो आरोप लगा है कि लड़की पक्ष के लोगों के द्वारा गोली चलाई गई जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और उस मौत के बाद लोग आक्रोशित हो गए। आक्रोशित होने के बाद जो है 8 गाड़ियों में आग लगा दिया और करीब 1 दर्जन बाइक में आग लगा दिया और जो लड़की पक्ष के लोग थे उनके घर में जो है लूटपाट की गई। मौके वारदात पर पुलिस पहुंची, तब जाकर स्थिति को नियंत्रण में किया गया है और अभी अभी जो सूचना मिल रही है कि जो मृतक थे उनका शव पोस्टमार्टम करके उनके घर पर भेजा जा रहा है। जी।